हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा उत्तराखंड का लोक पर्व फूल संक्रांति का त्यौहार। कहीं हम अपने समृद्ध पारंपरिक तीज त्योहारों को भूलते तो नहीं जा रहे, भले ही आज सोशल मीडिया है जो गाहे बगाहे अपनी परंपराओं को याद करा देते हैं, वरना हमारी बहुत सारी समृद्धि भरे कीमती चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं जो हमें प्रकृति और मानवीयता के करीब लाते हैं। उत्तराखंड में ऐसा ही समृद्ध एक पर्व है फूल संक्रांति, जो आज चारों तरफ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आइए हम बात करेंगे उत्तराखंड के दोनों मंडलों कुमाऊं और गढ़वाल में मनाए जाने वाले कुछ लोक पर्वों में से एक विशेष पर्व के बारे में, जो पौराणिक काल से देवी देवताओं, प्रकृति, ऋतुराज, बसंत और हिंदू नव वर्ष के आगमन के लिए समर्पित है। वह है हर्षोल्लास और खुशहाली का पर्व फूल संक्रांति, जिसे कुमाऊं में फूलदेई और गढ़वाल में फूल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यह चैत मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। पहाड़ों में ऋतुराज बसंत के आगमन के दौरान प्रकृति में नाना प्रकार के फूलों, हरियाली और बसंत के बहार से सारी धरती दुल्हन के समान सजी हुई दिखाई देती है। इसमें प्यूली के फूलों का विशेष महत्व है। प्यूली के बारे में हम आपको बताएंगे। अब बात करते हैं आज के विशेष लोक पर्व फूलदेई के बारे में। तो आज सुबह से ही हर गांव में बच्चों ने घर घर जाकर लोगों ने दहलियों पर प्रचलित गीतों को गाते हुए विभिन्न प्रकार के इकट्ठा किए हुए फूलों और पत्तियों को डालकर लोगों को शुभकामनाएं दी, जिसमें प्यूली के फूलों को भी शामिल किया गया होता है। और हर घर में बच्चों को गुड़, मिठाई, पैसे, चावल और आशीर्वाद दिया गया। बच्चों की खुशियों का इस दिन कोई ठिकाना नहीं रहा। यह पर्व 20 दिनों तक विभिन्न रूपों में चलते रहने वाला बसंत ऋतु का पर्व है। इन 20 दिनों के बच्चे बाघ भी बनते हैं और मवेशियों की सुरक्षा की हामी भी भरते हैं। यह लोक पर्व उत्तराखंड के हर गांव में मनाया जाता है। जब ऊंची पहाड़ियों की बर्फ पिघल जाती है तो सर्दी धीरे धीरे विदा होती रहती है, तो बसंत ऋतु का आगमन होता है। चला फुलारी फूलों को सौदा सौदा फूल बिरोला, भौरों का जूठा वर्ष के लिए थराली उत्तराखंड से फूलदेई पर्व पर सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।